ये यम्मी सी दिखने वाली स्वीट देखने में जितनी सुंदर है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है और बनती भी उतनी ही जल्दी है। तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई ब्रेड सैंडविच। मगर इसे बनाने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के किनारों को कट करके निकाल देंगे। तो चारों साइड से हमें काट कर निकाल देना है इसे। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को चार पीस में कट करेंगे। इस तरह से इक्वल कट करना है हमें। तो ये सैंडविच के पीस तैयार हैं, देखिए। और इसके साइड के जो किनारे हैं ना, इसे आप क्रश कर लें और फिर हल्का रोस्ट कर लें। तो ये ब्रेड क्रम तैयार हो गया। और उसके बाद जब भी पकौड़ा या कटलेट बनाना हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें, ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो मैंने फ्राई करने के लिए घी गर्म किया है। घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। गैस के फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में रखें और घी जब गर्म हो जाए तभी इसमें ब्रेड के स्लाइस को डालें। तो घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे रोस्टर या फिर तवे पर भी क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लें। और उसके बाद हम मिठाई बनाएंगे। तो इसे दोनों साइड से सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये 3 से 4 मिनट में है ना फ्राई हो जाता है। तो देखिए ब्रेड हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे ब्रेड स्लाइस तैयार हैं। अब इन्हें मीठा करने की तैयारी करते हैं। बनाएंगे चीनी की चाशनी। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप चीनी और इसे गीला करने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम पानी। तो बस चीनी को गीला होने इतना ही पानी डालना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसे गाढ़ा होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप अपने पसंद का फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, वैनिला फ्लेवर, रोज़ फ्लेवर, केवड़ा फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो चीनी के चाशनी की हमें तार नहीं बनानी है, बस वो चिपचिपा हो जाए जैसे ऑयल होता है यानी तेल, उस तरह से हाथ में बस चिपकना चाहिए। देखिए ये चिपक रहा है मगर इसमें तार नहीं बन रहा है। तो इस वक्त हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ब्रेड स्लाइस को। और इसे अच्छी तरह से शुगर सिरप में डीप कर दें। सारे ब्रेड स्लाइस ना चीनी की चाशनी में अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए ताकि सारे पीस जो हैं अच्छी तरह से मीठा हो जाए। ये टूटेगा नहीं। अब इसे हम आधा से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि अंदर तक चीनी की चाशनी को सोख कर ले। और तब तक हम मलाई बनाने की तैयारी करते हैं। हम बना रहे हैं इंस्टेंट मलाई। तो मैंने यहाँ लिया 1/2 कप दूध और दूध में डालेंगे 2 चम्मच घी। तो जिसमें ब्रेड स्लाइस फ्राई किया था ना वही घी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए पिघली हुई है यानी मेल्टेड है। और इसमें डालेंगे हम 1 कप मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू चलाएं, नहीं तो ये तली से जलने लगता है, फिर जला जला सा टेस्ट आएगा। तो ये मलाई भी ना 4 से 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है। देखिए फटाक से मिक्स हो गया ना। तो आप इस मावा से गुलाब जामुन या कोई भी मिठाई बना सकते हैं। ये इंस्टेंट मावा है, ये तैयार हो चुका है। अब इसे मीठा करने के लिए इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी की क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इन सबको मिक्स करें अच्छी तरह से। तो जैसे ही चीनी पिघलने लगेगा ना मावा जो है पतला होने लगेगा। देखिए धीरे धीरे ये हो रहा है ना पतला लिक्विडी। तो धीरे धीरे देखिए ढीला हो रहा है। इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है हमें, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और मावा देखिए, मावा का टेक्सचर हमें इस तरह का रखना है। ये ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा होगा। तो इस वक्त हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे।
देखिए ठंडा होने के बाद मावा का टेक्सचर, तो हमें मावा का टेक्सचर ऐसा ही रखना है, न एकदम पतला न एकदम गाढ़ा। ब्रेड के स्लाइस को हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इससे एक्स्ट्रा शुगर सिरप यानी चीनी की चास से निकल जाए, और 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ब्रेड स्लाइस थोड़ा ड्राई हो जाए। तो अब सारे सामान हमारे तैयार हैं। अब बारी है इसे सैंडविच का शेप देने की। तो हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर मावा चारों साइड अच्छी तरह से फैला कर लगाएंगे। तो कम या ज़्यादा वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो मावा में अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स बारीक चॉप करके मिक्स कर सकते हैं, या फिर कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चारों साइड से बराबर से लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरे ब्रेड स्लाइस को रखें और हल्के हाथों से दबाएं। चारों साइड से अगर बाहर निकला हो मावा तो उसे अंदर कर दें। और अब इसके ऊपर मैं कोटिंग कर रही हूँ नारियल के बुरादे की, जिससे देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चारों साइड से कोटिंग कर दें, जो एक्स्ट्रा हो इस तरह से करके निकाल दें। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे सारे ब्रेड मलाई सैंडविच को। अब बारी है इसे गार्निश करने की। तो मैं इसे बारीक चॉप पिस्ताचियों से गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर चेरी या टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारा ब्रेड मलाई सैंडविच तैयार है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।